जहीर की माँ ने दुआ जहरा के वालिदैन से माफ़ी मांग ली। दुआ जहरा से शादी करने वाले जहीर अहमद की वालदा ने दुआ जहरा के वालिदैन से माफ़ी मांग ली। जहीर की वालदा ने अपने अहले खाना मॉडल जुनैरा अहमद और वकील के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहीर अहमद की वालदा नूर बीबी ने कहा कि मेरे दोनों बेटों की जान को ख़तरा है, लिहाजा उन्हें जल्द अज जल्द लाहौर मुंतकिल किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जहीर को अपने मकामी अदालत में पेश किए जाने और केस का फैसला भी उसी अदालत में सुनाए जाने का मुतालबा किया। जहीर की वालदा का कहना था कि मैं ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हूँ, बस गुजारिश है कि मेरे बच्चों को यहीं मुंतकिल किया जाए और फैसला भी यहीं हो। जब सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था तो उसके बाद क्यों दोबारा केस खोला गया? उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा है कि दुआ के जाने के बाद उनके वालिदैन भी तकलीफ़ में थे। मैं उनसे यही कहूँगी, वो मेरे बहन भाई की तरह हैं, मुझे माफ़ कर दें। जहीर की वालदा का कहना था कि शादी से कबल मुझसे जहीर ने कहा था कि मैं किसी को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, जिस पर मैंने बेटे से कहा था कि अभी तुम्हें पढ़ना है, लेकिन उसके बावजूद उस शादी में किसी एक का कसूर नहीं, दोनों का कसूर है। और जब दुआ कराची से आई तो जहीर उसे वापस भेजना चाहता था, लेकिन वो ना मानी और उसने कहा कि मैं मर जाऊँगी लेकिन वापस नहीं चाहूँगी। दुआ चाहिए या जहीर के सवाल पर जहीर की वालदा का कहना था कि मुझे दोनों चाहिए। बच्चों की मोहब्बत है और मुझे लगता है कि उनकी मोहब्बत ख़राब नहीं करनी चाहिए। इनके वालिदैन से यही कहूँगी, आपकी बच्ची माफ़ी मांग रही है, उसे माफ़ कर दें।